प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रार्थना। कल मैंने पढ़ने के लिए बताया था, आज इसका अर्थ बताएंगे। ध्यान से सुनना है। एक बालक भगवान के शरण में जा कर के क्या कुछ मांग कर रहा है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बालक कह रहा है कि भगवान आपके शरण में हम आ गए हैं, हमारे को दया करो हे दयालु भगवान। दया करने वाले भगवान हमको दया करो। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। हमारी जो बिगड़ी हुई दशा है उसको हे भगवान संभालो, जो हम अच्छे रास्ते पर चलें। दया करो हम पे, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। बालक कह रहा है कि भगवान ना हम में कोई बल है, ना हम में कोई शक्ति है, ना हमारे पास कोई साधन है, ना हम में भक्ति है, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। बच्चा कह रहा है कि ना हमारे पास कोई साधन है, कोई चीज नहीं है, ना हम में भक्ति है, ना हम में बल है, ना हम में शक्ति है, केवल तुम्हारे दर के भिखारी हैं, तुम्हारे के ही भिखारी हैं, हम तुम्हें ही केवल चाहते हैं, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। कह रहा है बच्चा कि अगर प्रभु आप स्वामी हैं तो हम आपके सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। बालक कह रहा है अगर प्रभु आप पिता हैं तो हम आपके बालक हैं, संतान हैं। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। कह रहा है अगर प्रभु आप ठाकुर हैं, आप भगवान हैं, तो हम आपके पुजारी हैं। दया करो हे दयालु भगवान, हे दयालु भगवान हम पर दया करो। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। अगर हम बुरे हैं फिर भी भगवान तुम्हारे ही हैं। जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे। अगर हम भले हैं, अच्छे हैं, तो भी तुम्हारे हैं। तुम्हारे होकर के हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान। कह रहे हैं हम भगवान के होकर के भी हम दुखारी हैं, हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हे ईश्वर दया करो। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। बालक कह रहा है कि हे ईश्वर हे भगवान हमें महान शक्ति प्रदान कर दो, सबसे बड़ा शक्ति प्रदान कर दो, और हमारे अंदर ज्ञान और भक्ति भर दो। तभी कहाओगे तापहारी, तभी आप तापहारी कहाओगे। तापहारी का मतलब दूसरों को दुख को हरने वाले, दूसरों को पीड़ा को मिटाने वाले कहाओगे। दया करो हे दयालु भगवान, हे ईश्वर हमारे ऊपर
दया करो। अभ्यास है, पहला प्रश्न है, भक्त भगवान की शरण में क्या पाने आया है? उत्तर है, भक्त भगवान की शरण में दया पाने आया है। प्रश्न नंबर दो, भक्त भिखारी बनकर भगवान से क्या पाना चाहता है? उत्तर, भक्त भिखारी बनकर भगवान से अपनी दया और दुख को मिटाना चाहता है। भक्त ने भगवान को यहाँ किस रूप में आत्मसमर्पण किया है? तो भक्त, उत्तर है, भक्त ने भगवान को यहाँ अपने को कह रहा है कि ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, यहाँ यही समर्पण किया है। तीसरा प्रश्न है, इस गीत की वे पंक्तियाँ सुनाओ जिनमें भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है। तो उत्तर है, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रश्न नंबर पाँच है, भगवान तापहारी कब कहलाएंगे? जब सबको पीड़ा दुख दर्द को मिटा देंगे तभी भगवान तापहारी कहलाएंगे।